evening, India. Welcome to yet another edition of Good Evening, India, where we get into conversation with the maestro from the world of music. Sangeet Aastha hai, Sangeet Upasna hai, Sangeet Atma hai, Sangeet Zindagi hai. और कह सकते हैं कि ऐसे मौसम में ये संगीत ही है जो हमें राहत की सांस दिला सकता है. But what better than the melodious voice of violin? जी हाँ, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है. She is the North Indian classical violinist who has been playing violin ever since her childhood. उन्होंने 40 से भी ज्यादा देशों में परफॉर्म किया है. हमारे साथ है अनुप्रिया देवतले. One of the most outstanding violin player, Anupriya ji, is coming to our studio. Mein hai. Bahut bahut swagat, Anupriya ji. Shukriya, bahut bahut shukriya. Violin for you. Agar hum aapki nazar se dekhe, kya connection hai aapka is instrument ke saath? Violin ke saath to bahut hi gehra connection hai. Violin meri zindagi hai, meri prayer hai, mera sab kuch hai. तो क्या आप किस तरीके से रुझान पड़ा आपका, मतलब हाउ डिड यू केम अक्रॉस कि नहीं मुझे ये सीखना चाहिए, या फिर यू नो आपका कैसे इंक्लिनेशन पड़ा? एक्चुअली मेरे फादर हिंदी के बहुत बड़े पोएट हैं, डॉक्टर चंद्रकांत देवताले जी. और घर में बचपन से बहुत अच्छा माहौल मिला, लिटरेचर का, म्यूजिक का बहुत ही फाइन एटमोसफियर मिला. और मेरी मम्मा को म्यूजिक का बहुत शौक था, वो खुद भी गाती थी बचपन में, और तो उन्होंने हमें म्यूजिक शुरू से बचपन से सिखाया. और पहले मेरी शुरुआत वोकल से हुई, गाने से हुई, 4-5 साल की वोकल ट्रेनिंग के बाद फिर मैंने वायलिन शुरू किया. लिखना नहीं शुरू किया? लिखने की भी कोशिश करी थी, लेकिन फिर वो वायलिन से और म्यूजिक में इतना ज्यादा मेरा इंटरेस्ट बढ़ा और लिखना फिर. तो फिर कितना आसान या कितना मुश्किल है ये यंत्र सीखना? आसान तो क्या कहूँ, लेकिन मुश्किल बहुत है, क्योंकि वायलिन वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है. और है क्योंकि वायलिन एक ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई फ्रेट्स नहीं होती हैं, इसमें कोई सिंपेथेटिक स्ट्रिंग्स नहीं है, रेजोनेंस के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ 4 स्ट्रिंग्स हैं. और उन पे उनको कंट्रोल करना इंस्ट्रूमेंट पे, सुरों का उसके लिए नॉलेज होना, जिसको स्वर ज्ञान कहते हैं वोकल का, वो बहुत जरूरी है. तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ी आपको? जी, मेहनत तो करनी पड़ी, वो तो लाजमी है, सभी किसी भी आर्ट में मेहनत के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है. और मेहनत करी, लेकिन लकीली मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले, घर का बहुत सपोर्ट मिला, और मेरी मम्मा की वजह से ही आज मैं इतना कुछ कर पाई. उनके ब्लेसिंग्स, उन्होंने मेरे लिए बहुत साथ दिया मेरी इस म्यूजिक की इस जर्नी में. चलिए फिर कुछ आज हमें बजा कर सुनाए, बिकॉज बहुत जैसे आप कह रहे हो मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन हमें पक्का जी जरूर कि आप बहुत बेहतरीन तरह से बजाएंगे. कुछ आप हमारे ऑडियंस, मैं थोड़ा सा आपके लिए शाम की एक बहुत खूबसूरत राग है जो मेरे दिल के बहुत करीब भी है जी, राग मधुवंती जी, वो थोड़ा सा जी जरूर. Thank you.
मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप रुको, बिकॉज वो इतना सूदिंग, इतना आपने जिसे कहते हैं मेलोडियसली प्ले किया, शायद इसीलिए आपको इतने सारे सम्मान से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखने में तो बहुत बहुत मुश्किल लग रहा था, कुछ आप इसकी टेक्निक के बारे में हमें बताएंगे, खास तौर पे इस बो के बारे में? इस बो के बारे में जी, ये बो बड़ी कमाल की चीज़ है, इसके जो हेयर हैं वो हॉर्स टेल, आप एक जी, इस ये हेयर हॉर्स हेयर होते हैं जी, और बो जो है एक तरह से वायलिन की जबान है, तो बो का बहुत इम्पोर्टेंट उसकी टेक्निक है, और उसको राइट लेफ्ट और उसके जो वेरिएशंस हैं, जो लय आ रही है वो सारी बो से ही होती है। तो उसकी सिलेक्शन करते वक्त भी ध्यान रखना चाहिए? जी जी बिल्कुल, वायलिन मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे कीमती और सबसे नाजुक और सबसे मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये बो का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। एक्चुअली वायलिन का मुझे बहुत बहुत इसको मोहब्बत से रखना होता है, तभी साथ जी। और अगर हम कहें कि लेजेंडरी सारंगी माइस्ट्रो पंडित राम नारायण जी, क्या कहेंगी, क्या सोचती है, क्या रिलेशनशिप शेयर करती हैं, आप तो उनकी डिसाइपल रही हैं जी, जी क्या कहेंगी उनके बारे में? जी, ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी रही कि मैं मुझे उनके पास सीखने का, उनके साथ बहुत अच्छे वक्त गुजारने का मौका मिला, और मैंने बहुत सीखा है बोइंग की टेक्निक और सुरों का लगाव, जो गुरुजी की सारंगी में एक जो फील है और जो सुरों की सच्चाई है, जो शायद कहीं पे भी वैसा कोई म्यूजिशियन हुआ ही नहीं है, तो मुझे उनके साथ रह के और उनके कान, मेरे कानों में उनके सुर पड़े, उनकी सारंगी की आवाज़ जो कानों में से होते हुए अब मेरे दिल और मेरी सोल में बसी हुई है, तो ये उन्हीं के ब्लेसिंग है कि मैं। तो आपको कुछ बताते होंगे इन बातों पर ध्यान दो, कुछ उनकी कुछ ऐसी बातें जो आप ज़रूर अपने जहन में आपने अभी भी रखी हुई हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल रखी है, वो तो मेरा सीक्रेट है मेरा बजाने का एक्चुअली, तो लेकिन डांट भी पड़ी होगी अभी? गुरुजी से मेरा बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप रही और है, तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आता कि कभी ऐसी कुछ ऐसे मेमोरेबल इंसिडेंट कहे जब उन्होंने आपकी पीठ थपथपाई हो कि नहीं अनुप्रिया आज तुमने मुझे प्राउड कर दिया, या फिर नहीं ये गलती है, कोई ऐसा अगर आप हमारे साथ अनुभव शेयर करना चाहते हैं? नहीं, ऐसे तो मौके आए कि उस समय मैं उतना उनको फॉलो नहीं कर पाती थी, कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो डांट देते थे, वो अपना पेशेंस खो भी देते थे कई दफ़ा, लेकिन एक दफ़ा मैंने उनके साथ एक पूरी रिकॉर्डिंग करी थी, उसमें उन्होंने काफ़ी सारी रागों की स्केल बजाई, कुछ कॉम्पोजिशन बजाई, तो उसके बाद वो बहुत खुश हुए थे और उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास से साथ में बजाते हुए, एक तान गुरुजी कह रहे हैं एक मैं बजा रही हूँ, तो उसके बाद उन्होंने बहुत तारीफ़ करी थी, और उन्होंने मतलब तारीफ तो क्या, मतलब उनके एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता था कि हाँ उन्हें खुशी हुई है। और आप कब से बजा रही हैं वायलिन? मैं बचपन से बजा रही हूँ, मुझे काफ़ी अर्सा हो गया, मुझे करीब 20-25 साल होने हो गए हैं वायलिन सीखते हुए, और मुझे लगता है ये सीखना तो कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन म्यूज़िक की तरफ आपका रुझान था ही, आपके पिताजी पोएट हैं, तो फिर वायलिन ही क्यों? क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, जाहिर सी बात है आपकी इस जर्नी में भी, जब आपको लगा होगा कि नहीं मुझे सीखना चाहिए? एक्चुअली ये भी एक इत्तेफाक की बात है, शायद कुछ पिछले जन्म के जो होते हैं वो चले आते हैं, कि संस्कार जो होते हैं पिछले जन्म से चले आते हैं म्यूज़िक के, क्योंकि ये काम मुझे लगता है कि एक जन्म का नहीं है, इसके लिए तो एक जन्म भी कम है, तो पिछले जन्म के संस्कार होंगे, क्योंकि मेरी वायलिन की म्यूज़िक की जो वोकल क्लास होती थी उसके बाद नेक्स्ट क्लास वायलिन की होती थी, तो ये इत्तेफाक है कि वायलिन की ही होती थी, हो सकता है कि सितार या सरोद की होती तो मैं शायद सितार या सरोद बजाती, लेकिन वो वायलिन की क्लास थी, तो मैं अपने गाने की क्लास छोड़ के वायलिन की क्लास के आगे खड़ी रहती थी कि मुझे वायलिन सीखना है। और पढ़ाई से फिर कैसे तालमेल बिठाते थे? नहीं, पढ़ाई तो मेरे फादर प्रोफेसर है, मेरी सिस्टर प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस की, तो पढ़ाई तो घर में बहुत ही ज़रूरी थी, मैंने वायलिन में मास्टर्स किया, और क्योंकि अक्सर अगर हम अब बच्चों को देखें, नहीं अगर वो अपनी हॉबी को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं एकेडमिक्स पीछे रह जाता है, बहुत ज़रूरी है एक बैलेंस बना के। नहीं, मैं आर्ट्स की स्टूडेंट थी, तो उसके बाद मैंने फिर वायलिन में ही मास्टर्स किया अपना म्यूज़िक में, उसके बाद मुझे जूनियर और सीनियर फेलोशिप मिली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो इस तरह से तो कोई मेरे पेरेंट्स बहुत खुश रहे मेरी पढ़ाई और सबको लेके।
बिल्कुल। तो क्या कुछ हमें आप प्ले करके सुनाएगी जो आपके गुरु को बहुत पसंद हो? कोई एक्चुअली ये राग मधुवंती मुझे मेरे गुरुजी की बहुत फेवरेट राग है, और इसमें मैं उन्हीं की सिखाई हुई चीज़ें बजाती हूँ और उस वही फील लाने की कोशिश करती हूँ। मतलब मैं तो उनका कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जो भी है मैं आपके लिए जी कुछ और बजाती हूँ। जी अब आप क्या हमारे लिए प्ले करेंगे? मेरा अपना एक फ्यूजन ग्रुप है, परिंदे म्यूजिक ऑफ सोल, तो उसकी एक कॉम्पोजिशन है। एक्चुअली उस हर कॉन्सर्ट की शुरुआत ही हम उस कॉम्पोजिशन से करते हैं। उसका नाम जी है लोटस लोटस। लोटस, और इस कॉम्पोजिशन को मैं अपनी मम्मा के लिए बजाती हूँ। ये उन्हीं को डेडिकेट करके उन्हीं के लिए बजाती हूँ, हम सब लोग, मतलब बैंड के पूरा बैंड। तो वो थोड़ी सी मैं उसकी फील आपके लिए कोशिश जी करती जी हूँ। जी बिल्कुल।
बहुत ही रिदमिक, बहुत ही सोलफुल, मतलब इट्स लाइक अ रिवर फ्लोइंग. बहुत ही मुझे लगता है कि आपने मेलोडियसली बजाया. थैंक यू सो मच. जो कि मुझे लगता है कि मात्र 4 स्ट्रिंग से बजाना कितना मुश्किल है, बट ब्यूटीफुल साउंड्स इसमें से निकल रही है. थैंक यू. आपने अपने बैंड परिंदे के बारे में बताया, हमें कुछ बताएं उस बैंड के बारे में. एक्चुअली ये बैंड मेरा बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत सपने की तरह है. और मेरा इसके पीछे सोच यही है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को यूथ तक कैसे लेके जा सकूं. तो और किस्मत से इसमें जितने भी म्यूजिशियन हैं सब बहुत ही यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं. गिटारिस्ट, वोकलिस्ट, फिर बेसिस जो हैं, ड्रमर, तबला आर्टिस्ट, सब लोग बहुत टैलेंटेड हैं, प्रोफेशनल. और क्लासिकल बेस्ड म्यूजिक है तो मुझे लगता है कि यूथ को वो म्यूजिक बहुत पसंद आता है. और क्लासिकल बेस्ड कॉम्पोजिशन, थोड़ा सूफियाना, उसमें साथ में मेटल और रॉक का गिटार के साथ में, तो बहुत अच्छे से फ्यूजन, रियल फ्यूजन करने की कोशिश करते हैं हम लोग. बिल्कुल. और रिसर्च भी बहुत करनी पड़ती होगी क्योंकि आप कंटेम्प्रेरी म्यूजिक और फॉर्म्स को मिक्स कर रहे हैं और उसके साथ में अपना क्लासिकल ट्रेडिशनल म्यूजिक को बरकरार रखते हुए करते हैं. जी, तो हम जरूर इस बैंड के बारे में और बात करेंगे, लेकिन कुछ क्लिपिंग्स है हमारे पास आप जी. जी अनुप्रिया जी स्टूडियो में हमारे साथ है, ये देखते हैं कि परफॉर्मेंस की कुछ झलकियां. नॉर्थ इंडियन क्लासिकल वायलिनिस्ट माएस्ट्रो अनुप्रिया जी की परफॉर्मेंस की आपने देखी झलकियां. हमारे साथ वो इस समय स्टूडियो में है. अनुप्रिया जी, आपने इंटरनेशनली भी, बाहर के देशों में भी बहुत ट्रैवल किया है, वहां भी बहुत परफॉर्म किया है, कुछ उस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें. जी, काफ़ी मुझे बजाने का मौका मिला और मैंने बहुत इंजॉय किया है ट्रैवलिंग, नए लोगों से मिलना, नई नई जगहों पर जाना. और बहुत अच्छा म्यूज़िक मैंने डिफरेंट लोगों के साथ, यूरोपियन म्यूजिशियंस के साथ बहुत काम किया. फ्लेमिंगो म्यूज़िक, जर्मनी के म्यूजिशियंस, फिर ऑस्ट्रिया में मेरा अपना बैंड है मुक्ति के नाम से, तो वहाँ पर वो एक डबल बेस प्लेयर हैं ब्रिटिश, उनके साथ में मैं बजाती हूँ. तो काफ़ी अच्छा मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छी ऑडियंस मिलती है जर्मनी और ऑस्ट्रिया में. और मुझे खुशी होती है कि इंडियन वायलिन को वो लोग पसंद करते हैं, क्योंकि ये ऐसी कंट्रीज हैं जो कि वायलिन का गढ़ हैं. तो फिर क्या इंडियन म्यूजिक और उनका तालमेल अच्छा बैठता है? उन लोगों के साथ बहुत अच्छा फ्यूजन होता है, इसमें कोई शक नहीं. वो लोग फ्री इम्प्रोवाइज म्यूजिक करते हैं और हमारी तालीम इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रांग है क्लासिकल म्यूजिक की, इतने अच्छे गुरुओं से सीख के, कि किसी भी म्यूजिशियन के साथ
बैठ के फ्यूजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि म्यूजिक इतना रिच है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। जी, और आप सिखाती भी है, वर्कशॉप्स भी लेती है, जी कुछ जी उस एक्सपीरियंस को शेयर करें। जी मैंने अभी लास्ट पीछे मैंने अभी नॉर्वे में गई थी, मैं 1 महीने की मेरी वर्कशॉप थी, तो वहाँ पे मैंने बहुत इन्जॉय किया। और मुझे खुशी होती है कि वो लोग, मैं ऑनलाइन लेसन देती हूँ स्काइप पे, तो तो कुछ आप मेरे किन पास किन कैनेडियन। टेक्निक्स पर ध्यान देती हैं अपनी वर्कशॉप्स में? सबसे पहले तो मेरी ये कोशिश होती है कि इंडियन जो वे है वायलिन का वो बहुत डिफरेंट है, हमारी बैठने की स्टाइल ऐसे, मैं कुर्सी पे नहीं, नीचे बैठ के बजाते हैं हम लोग, और जो स्लाइड करते हैं नोट्स को, वो हमारी गमक और मीड, वो सब वो वेस्टर्न म्यूजिक में होती ही नहीं है। फिर रागों के ऊपर, रागों का एक समय है, जो भी एक डिसिप्लिन है वो समझाना, प्लस टेक्निकली बहुत डिफरेंट है इंडियन वायलिन, तो जी इस सब को वो पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत फीलिंग और इसमें बहुत सोलफुलनेस है, बिल्कुल और इसमें बिल्कुल बहुत फ्रीडम भी है, इम्प्रोवाइजेशन है, क्योंकि वेस्टर्न क्लासिकल तो पूरा उनका रिटर्न रहता है सारा। जी, और बहुत सोलफुल है, बिल्कुल हमारे दिलों को छुआ। ऑल द वेरी बेस्ट अनुप्रिया थैंक जी, यू सो मच, मुझे थैंक आपसे यू बात सो करके मच। बहुत खुशी हुई, बिल्कुल और आपसे फिर कभी ज़रूर। बिल्कुल, हमारी ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं आपके आगे सभी एंडेवर्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने थैंक यू हमारा। सो मच, ओके नमस्कार। बिल्कुल, म्यूज़िक है ही सोलफुल, जो कहीं ना कहीं हमारे दिलों को, हमारी रूह को छूता है। ना केवल हम कहेंगे कि अगर आप संगीत बजा रहे हैं, बल्कि डांसिंग भी, डांसिंग के जितने भी फॉर्म्स हैं, जैज़ कहें, हिप हॉप कहें, सालसा कहें, क्लासिकल कहें, बेले डांसिंग कहें। हाल ही में पिछले दिनों में स्टूडेंट डांस शो हुआ, जहाँ पर बेस्ट ऑफ द डांस टैलेंट एंड डांस कल्चर का शोकेस हुआ। आइए आपको दिखाते हैं इस पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।